दिखाइए जी। देखिए बिल्कुल, अब जैसे जैसे रुझान के साथ साथ जीत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी आश्वस्त होते हुए नजर आ रही है। और देखिए यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी दफ्तर का ये पार्क है, वहां पर हलचल तेज हो गई। और मैं तस्वीरें दिखा दूं अंजना आपको, ये देखिए सामने आप जहां पर ये सफेद चादर देख रहे हैं छत पर, यहीं पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और वहां पर एक बैनर भी रखा हुआ है, उस बैनर में एक नारा लिखा हुआ है। हालांकि उसका खुलासा जब होगा, जब पूरी तरह से आम आदमी पार्टी जीत की ओर अग्रसर रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए आप, दरवाजे से भी आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं और विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। ये देखिए कुछ इस अंदाज में चेहरे पर मुस्कुराहट है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में। और देखना ये भी होगा कि जिस तरह से रुझान के बाद अब जीत के आंकड़ों में तब्दील हो रहा है नंबर, क्या कुछ आम आदमी पार्टी का रुख रहता है। और एक खबर और भी आई है कि आम आदमी पार्टी ने एक लौती जो ट्रांसजेंडर उम्मीदवार है बॉबी किन्नर, उन्हें टिकट दिया था सुल्तानपुरी से, उन्होंने भी जीत दर्ज कर ली है। अब हाफ सेंचुरी के बहुत करीब 49 पर पहुंच गई है आम आदमी पार्टी, 49 आम आदमी पार्टी 40 बीजेपी, जो नतीजे अभी तक 94 सीटों के आए हैं, 4 पर कांग्रेस है। लेकिन 49 हाफ सेंचुरी के बहुत करीब नतीजों में आती हुई आम आदमी पार्टी दिख रही है, लेकिन 40 पर है अभी भी। वहां पर सस्पेंस वाला मामला ही है क्या, क्योंकि बीजेपी दफ्तर में तो हमने दिखाया वो अभी तक के आ रहे रुझानों और नतीजों से जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं, यहां पर अभी भी जरा सहम के सहज के चल रहा है क्या मामला पंकज? नहीं देखिए, अब यहां पे जो मुख्यमंत्री दफ्तर की सुरक्षा है अंजना, वो भी पहुंच चुकी है और यहाँ पे आकलन किया जाएगा उनकी टीम के द्वारा किस तरीके से तैयारियों को अंजाम देना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भीड़ अब बढ़ने लगी है। ऐसा नहीं है जैसा पहले था कि रुझान के दौरान दिल धक धक कर रहा था, धड़कनें तेज हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि क्या अभी थोड़ा रुक जाएं, क्या अभी मिठाइयों के डब्बे ना खोलें, क्या अभी जो गुब्बारे जो और कमरे के अंदर रखे हुए ने बाहर ना निकाले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं, उनकी भीड़ भी हमारे आसपास नजर आ रही है। और ये देखिए कुछ असंदाज में होडी पहन के भी तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। और देखना यही होगा कि किस तरीके से ये जीत का जो जश्न है वो आम आदमी पार्टी मनाती है, क्योंकि कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी कई और विधायक, ऐसी जानकारी मिली है कि वो पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं अंजना। तो देखिए कुल मिलाकर दिल्ली के दिल में क्या है, अब नतीजे के तौर पर वो सामने आने शुरू भी हो चुके हैं। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीएम आवास के बाहर है, वहां से क्या हलचल देख रहे हैं अमित? देखिए अर्पिता, यहाँ पे जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, चाहे वो पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हों, या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, सब कोई अंदर है और एक तरह से कहा जाए तो नजर बनाए हुए हैं चुनावों के नतीजों पे। और एक ही बार में निर्णय लिया जाएगा जब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि एमसीडी की सत्ता अब आम आदमी पार्टी के हाथ में आ रही है, तब संभावनाएं बनेंगी कि तीनों नेता यहां से निकलेंगे और पार्टी के मुख्यालय पे, आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पे पहुंचेंगे और फिर जीत का जश्न मनाएंगे। लेकिन अब बहुत सारे जो है इसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन भी जुड़ते जाएंगे, क्योंकि जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं इतना बार रुझान रहने के बाद अगर बीजेपी 100 के आंकड़े पे मेंटेन है, यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कुछ स्ट्रेटेजाइज करना होगा। एमसीडी में मेयर का चुनाव बहुत अहम होता है, भले ही आपके पास काउंसलर 130 से ज्यादा हो जाए, लेकिन यह जरूरी होगा कि वो अपना मेयर बनाए, तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजी, उसके लिए भी रूपरेखा पार्टी को अब तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल आपको फ्रंट फुट पे आके खेलना होगा। और टॉप लीडरशिप अब यहां से नहीं चाहेगी कि कोई भी रिस्क लिया जाए।